करेंगे फर्दर फास्ट ट्रिग्नोमेट्री के उस कंसेप्ट से जिसमें एक ना एक बार हर एक स्टूडेंट हुआ है कंफ्यूज। कब बदल जाता है साइन कोस में, कब रहता है सेम, इस कंसेप्ट को करेंगे डिफ्यूज। किस क्वाड्रेंट में होगा साइन चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो जानेंगे कैसे चेंज होती है क्वाड्रेंट में रेशियोज की वैल्यू, साइन कोस टेन कैसे चेंज होंगे क्वाड्रेंट में। तो इस वीडियो में जानेंगे पूरा कंसेप्ट और क्या है इसका ट्रिक। अगर आपको साइन के साथ में जो एंगल दिया गया है वो अगर एक्स एक्सिस के प्लस में हो, एक्स एक्सिस प्लस मतलब अगर साइन 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, दैट इज 180 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो इसीलिए अगर साइन के साथ में प्लस माइनस थीटा, दैट इज नो चेंज, यानी कि साइन है तो यहां पर साइन ही आएगा। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन निकल के आता है कि यहां पर साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन रेज होता है साइन का, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो कैसे देखेंगे वो देख लीजिए। एक ट्रिक आपको बताऊंगा, दैट इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल प्लस, यानी कि जितने भी साइन कोस टेन होंगे सारे के सारे प्लस होंगे, ठीक है। एस फॉर साइन और इसका जो अपोजिट रेशियो होता है कोस एक्स, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। टी फॉर टेन, तो इस वाले क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस होंगे। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पर सी है, सी फोर क्या होता है कोस, तो यहां पर कोस और सेक क्या होंगे, प्लस में होंगे। तो ये चीज याद रखनी है। अब देखो 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 यहां पर है, प्लस थीटा कहां पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस होते हैं ओनली, और यहां क्या दिया गया है, साइन 180 प्लस थीटा। अब साइन की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो होगा उसी का साइन वहां पर देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइन में है साइन, तो साइन का रेशियो देखेंगे, तो साइन यहां पर माइनस होता है, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा यहां पर। ओके, अगर हम माइनस थीटा की बात करते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, तो देख लीजिए 180 माइनस थीटा कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, साइन प्लस का साइन आएगा। तो पता चला कैसे होता है चेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, आपको बताया 360 कहां पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है, और माइनस थीटा की बात करें तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो माइनस साइन आएगा, और एक्स एक्सिस के साथ में है तो नो चेंज, दैट इज साइन थीटा। ओके, क्लियर हुआ ये डाउट। चलिए अब और आगे बताता हूं कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन जीरो माइनस थीटा, साइन जीरो माइनस थीटा, जीरो डिग्री कहां पर है दोस्तों, यहां पर है। ओके, अब जब जीरो से यहां पर आएंगे यानी माइनस करेंगे तो कहां पर आएगा दोस्तों, ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला बनता है साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो ये है इसका ओरिजिन, ये ओरिजिन यहां से होता है इस फॉर्मूले का। समझ में आया दोस्तों, देखिए अब आपको बताता हूं कि यहां पर क्या प्लस होता है। अगर ये कोस माइनस थीटा होता, यानी कि कोस जीरो माइनस थीटा होता, तो ये क्या होता है, कोस थीटा होता है। क्यों होता है वो देख लीजिए, कैसे होता है वो देख लीजिए, क्योंकि कोस जीरो डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस है, और जीरो माइनस डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस का होता है, तो ये इसमें इसीलिए प्लस का आता है। ओके, तो कोस और सेक यहां पर प्लस के होते हैं, और बाकी जो रेशियोज होते हैं वो सब माइनस में होते हैं। तो क्लियर हुआ ये सब, ये था एक्स एक्सिस का बात, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ में नो चेंज होता है इसीलिए ये ऐसे ऐसे बने। अब हम करते हैं वाई एक्सिस के बाद, अगर हमारे रेशियोज वाई एक्सिस के साथ दिए गए हों तो कैसे उनको हमें डील करना है।
अब बात करते हैं y एक्सिस की। तो y एक्सिस पर अगर आपका एंगल दिया गया हो, y एक्सिस प्लस माइनस थीटा दिया गया हो, तो वहां पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है कोस में, टेन चेंज हो जाता है कोट में, और सेक चेंज हो जाता है कोसेक में। कैसे चेंज होता है जानेंगे अभी। यहां पर देखिए, अगर मैं आपको यहां पर लिख के दे दूं साइन 90 प्लस थीटा वाई एक्सिस पर लाई करता है 90। अब साइन 90 प्लस थीटा आपको दिया गया है, आपको पता है कि वाई के साथ में चेंज हो जाता है, साइन चेंज होता है कोस में, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। अब जो मेन चीज आती है वो आती है साइन की, यानी कि चिन्ह की, कौन सा चिन्ह यहां पर आएगा। अब चिन्ह अगर हम देखें तो इस वाले साइन की मैंने बताया था कि LHS वाले टर्म का साइन देखते हैं क्वाड्रेंट में, ओके। तो LHS में क्या है, साइन थीटा। अब साइन का देखेंगे 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस थीटा लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का, तो ये भी क्या आएगा, प्लस का आएगा, ओके। अब और थोड़ा देख लेते हैं, साइन 270 प्लस थीटा, बिकॉज 270 लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की बात चल रही है भैया, तो देख लीजिए साइन 270 प्लस थीटा दिया गया है, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात चल रही है साइन 270 प्लस थीटा की, और 270 प्लस थीटा लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, और साइन चेंज हो जाता है कोस में, बिकॉज वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस कोस थीटा। तो ये समझ में आया कंसेप्ट, सारे रेशियोज आपके इसी तरीके से बनते हैं। ये ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी, बैंकिंग, किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये ट्रिक एक ब्रह्मास्त्र है, ओके। तो ये ट्रिक आज हमने यहां पर सीखी, और इस ट्रिक का और आगे का पार्ट जानने के लिए मैं आपको दिखाता हूं एक नया फंडा। क्या आपको पता है ये जो प्लस होते हैं यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कोट प्लस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस होता है, तो ऐसा क्यों होता है कि ये इन्हीं क्वाड्रेंट में ये प्लस होते हैं, जानेंगे यहां पर अड्डा 247 पर। देखिए, जानेंगे यहां पर कि रेशियोज क्वाड्रेंट में कब प्लस होते हैं और कब माइनस होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो ये जो रेशियोज होते हैं ये दोस्तों ट्रायंगुलर रेशियोज होते हैं, ये जो आप साइन कोस टेन पढ़ते हो ये जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ओके। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। अब आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, और यहां पर क्या है, पी भी प्लस का है और हाइपोटेनियस भी प्लस का है, इसीलिए क्या होता है, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव, यानी कि इनसे मिलकर जितने भी रेशियोज बनेंगे सारे पॉजिटिव होंगे, इसीलिए यहां पर साइन कोस एंड टेन सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो सो इनके अपोजिट भी पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो यहां पर जो बेस होता है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होता है, इसीलिए ये नेगेटिव होता है, ओके। और जो हाइपोटेनियस है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज दो नंबर के स्क्वायर का सम होता है बाया पाइथागोरस थ्योरम, ओके। देखिए, अब यहां पर जो रेशियोज बनेंगे वो नेगेटिव कब होंगे और पॉजिटिव कब होंगे, अब आपको पता है कि जो भी रेशियो इन दोनों को मिलाकर बनेंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जिसमें बेस आ रहा होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए देख लेते हैं आपका साइन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, और आपका कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसीलिए ये भी क्या होता है, प्लस होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि साइन और कोसेक प्लस होते हैं और अदरवाइज बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बिकॉज बेस का यूज होगा कोस में, कोस तो ये भी माइनस हो जाएगा, और टेन में बेस का यूज होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पर, तो थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं, यहां पर बेस भी माइनस में है और परपेंडिकुलर भी माइनस में है, बिकॉज बेस जो है वो नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस पे है, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर है,
अब यहाँ पर जो रेशियोज बनेंगे, यानी कि अगर जो रेशियो इसको और इसको मिलाकर बनेगा, यानी कि परपेंडिकुलर और वेस को मिलाकर जो रेशियो बनेगा, केवल वो ही पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा? बिकॉज टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव, अब नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसीलिए कोट और टेन यहां पर क्या होते हैं दोस्तों? पॉजिटिव होते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका परपेंडिकुलर माइनस में होगा बिकॉज ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव और वेस यहां पर पॉजिटिव है। अब आपको पता है कि कोस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, तो इसीलिए कोस थीटा और सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसीलिए यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो समझ में आया पूरा कंसेप्ट? ये था पूरा फंडा जिसका हमने आज किया यहां पर फर्दाफास। ओके, तो कैसा लगा आपको सेशन, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब जरूर दीजिएगा। और इसके बाद आपका कोई भी डाउट यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नहीं रहेगा बिकॉज आप बन चुके हैं मास्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग अड्डा 24/7।